अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसका हमारा लास्ट टॉपिक यानी कि जो सेकंड पोर्शन था वेक्टर्स वाला, हमने पूरा एरिया कवर कर लिया। अब हमारे पास रहता था इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के मतलब एक टॉपिक है, उसके आगे दो सब टॉपिक हैं, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन। तो उसे हमने आज ज़रा देखना है, तो आइए ज़रा उसे देखते हैं। तो टॉपिक का नाम है जी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम को अगर हम इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है इक्वल या बैलेंस, कि ऐसी चीज जो इक्वल या बैलेंस। जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें भी पता होगा कि केमिस्ट्री में उन्होंने एक इक्विलिब्रियम पढ़ी होगी कि भाई एक्शन जो आपका ये फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जब बराबर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर कोई बैलेंस आ जाता है, तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इसी तरह जैसे आप बाज़ार में जाते हो तो बाज़ार के अंदर आप वो तकड़ी बटा नहीं होता, उसके ऊपर इस साइड पे आपका जो जो चीज़ आपने तोलनी होती है वो, ये जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो आप इक्विलिब्रियम कर लेते हो। इसी तरह क्लास में भी आप पंगे करते हो, आप स्केल को लेकर अपने हाथ पर उसे ऐसे रखते हो, कहते हो देखो मैं बड़ा मजिशियन हूँ जी, मैंने स्केल को इधर बैलेंस कर लिया। ये जो सारे काम आप कर रहे हो आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो। असल में फिज़िक्स को पता है और फिज़िक्स कहती है आप इक्विलिब्रियम कर रहे हो। उनके यार है क्या इक्वल या बैलेंस? बराबरी। अब ये इक्वल बैलेंस बराबरी कैसे? इक्विलिब्रियम को समझाने से पहले मैं आपको एक टर्म समझाऊंगा, उसे हम बोलते हैं नेट। नेट का मतलब क्या है? इंटरनेट नहीं है ये, ठीक है, ये नेट और है। नेट का मतलब है बच जाना, जो रह गया हो। जैसे मैं कहता हूँ कि आपके पापा ने आपको दिए पैसे कोई चीज़ बाज़ार से मंगवाने के लिए, 100 रुपये दिए, उनका जाओ कोई चीज़ लेके आओ, मतलब कोई भी घर का सामान, और बकाया आपके बच गए 60 रुपये की आपकी वो चीज़ आ गई, 40 रुपीज़ जो बच गए, वो जो चीज़ बच गई आपके पास वो है नेट। अब इस नेट को मैं इधर पूरा करके लिखूँगा, मैं इस नेट को लिखूँगा नेट फोर्स, ठीक है, वो फोर्स जो बच जाए, ठीक है। तो फिलहाल आप इस इक्विलिब्रियम को टॉपिक को समझने के लिए पहले इस नेट फोर्स को समझें, फिर हम बाकी देखते हैं। नेट फोर्स क्या है? यानी कि वो फोर्स जो बच जाए। जैसे एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ, लेट्स सपोज ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स पर एक बंदा इधर फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन की और एक बंदा इधर फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन की, तो ये बॉक्स किधर जाएगा? आपको जाहिर सी बात है सर 10 न्यूटन की तरफ ही जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी, ये बॉक्स भाई साहब 10 न्यूटन की तरफ चलना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन मैं वो कहता हूँ किस फोर्स से? आपको कि सर ये वेक्टर इस तरफ है, ये वेक्टर इधर, तो ये एक दूसरे में से मतलब 10 में से 5 वाला सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और जो बचेगा वो बचेगा 5 न्यूटन। तो ये जो बचा है ना, इसका नाम असल में क्या है? नेट फोर्स, ठीक है। अब हम इसके लिखते हैं डेफिनेशन, ठीक है। अब डेफिनेशन में क्या है? When no net force acts on a body, then body is said to be in equilibrium. यानी कि अगर किसी चीज पर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो हम कहते हैं कि ये बॉडी किस में चली गई है भाई साहब? ये बॉडी चली गई है आपकी इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अच्छा, फिलहाल तो आप इसको यूं याद रखो कि अगर किसी चीज़ के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो है, यानी कि कोई बच्ची कुछ चीज़ पर फोर्स है ही नहीं, मैंने कहा यार बच्ची कुछ क्या, कोई और भी फोर्सेज हो सकती हैं, और फोर्सेज हो सकती हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल मैं लेता हूँ बुक ऑन अ टेबल, ठीक है। तो ये एक कोई किताब है, ये मेज़ पर पड़ी हुई है, तो अगर हम इसके ऊपर देखें तो इसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो बनेंगे। ज़रा चेक करें, लेट्स सपोज दिस इज़ योर टेबल और इस टेबल पर पड़ी हुई है ये आपकी कोई भी किताब, इस किताब पर नेट फोर्स ज़ीरो है। मैंने कहा वो कैसे? अगर आप गौर करो तो इस बुक का जो वेट है वो नीचे की तरफ होगा और वेट आपको पता है एक फोर्स है, ठीक है, इसको हम आगे भी स्टडी करेंगे। और ये बुक के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो
रिएक्शन फोर्स है और वो नीचे वाले वेट के बिल्कुल बराबर है। तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस्ड हैं, ठीक है। और जब बैलेंस्ड हैं तो इनके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी बनेगी? ज़ीरो। तो मैं कहूँगा कि ये बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में, ठीक है। सपोज कि हम इस टेबल के ऊपर मज़ीद किताबें रखते हैं, तो जैसे जैसे मज़ीद किताब वो जो हमारी बुक्स हैं किताबें हैं वो हम रखते जाते हैं, एक ऐसा भी वक्त आएगा जब ये बढ़ती जाएगी वैल्यू और ये वैल्यू भी बढ़ेगी रिएक्शन फोर्स, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि ये रिएक्शन फोर्स सस्टेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। उस टेबल के ऊपर जो रिएक्शन फोर्स है वो इतनी नहीं बन पाएगी और वो वेट की वजह से वो टेबल टूटे और वो बुक्स नीचे की तरफ आ जाएगी, तो उस वक्त इस पर नेट फोर्स लगेगी। और जब नेट फोर्स हो तो उस वक्त बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती है। अगर हम इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखना चाहें तो मैथमेटिकली इसी स्टेटमेंट को हम यूँ लिखते हैं, समीशन एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। और याद रखना ये जो मैंने लिखा है कि फोर्स आपको पता है वेक्टर, तो जाहिर सी बात है वेक्टर्स को जब आप ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे या आंसर जो भी लाएंगे वो आंसर ज़ीरो नहीं होता है, वो आंसर क्या होता है? आपका नल वेक्टर। तो मैथमेटिकली ये बनेगा, लेकिन वैसे अगर हम जस्ट मैग्नीट्यूड के सेंस में करें तो आप बगैर वैक्टर्स के भी लिख सकते हो। उसकी वजह ये है कि क्योंकि नल वैक्टर की वैल्यू ज़ीरो ही होती है, ठीक है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो आप उसे पीछे मतलब इसी जो आपकी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर ये वीडियो आपकी चल रही है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर, आपकी डिस्क्रिप्शन में भी आ रही है, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप ये वेक्टर्स वाला टॉपिक चेक कर सकते हो, तो उधर हमने ये पढ़ा था, ठीक है। इनकी एक किताब जो टेबल पर पड़ी हुई है। लेकिन एक और एग्जाम्पल भी बड़ी आपने सुनी होगी, पैराट्रॉपर मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। लेकिन आपने तो कहा कि भाई सर उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो, तो पैराट्रॉपर तो मूव कर रहा है, क्या उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो होगी? मैंने कहा ज़ीरो होगी, लेकिन कंडीशन क्या है? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। मैंने कहा भाई वो कैसे कि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो और वो इक्विलिब्रियम में चला जाए? यानी कि वो तो कर रहा है हरकत, लेकिन अगर हम, वैसे तो मैंने नेट फोर्स लिखी है कि उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो, लेकिन बुक की स्टेटमेंट भी है कि व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब ये जो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वाला कंसेप्ट है, ये मतलब ये झमेला नहीं समझ आ रहा। देखो आपको पता है कि जो नेट फोर्स है वो होती है एफ इज इक्वल टू एम ए, क्लियर। और जो ए होता है वो आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो अगर मैं कहूँ कि बॉडी इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी, तो जाहिर सी बात अगर किस चीज़ की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाए तो जो उसका चेंज बनता है वो किसके बराबर आएगा? ज़ीरो के। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी? ज़ीरो ओवर टाइम, यानी कि ज़ीरो, ठीक है। तो अगर आप इसकी वैल्यू को जस्ट मैग्नीट्यूड को भी अगर आप पुट करो एफ इज इक्वल टू एम ए, तो फोर्स का आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से तो भी हम उस चीज़ को कहेंगे कि वो किस में है? इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम की जनरल सी स्टेटमेंट फिर यही बनी कि नो नेट फोर्स इक्विलिब्रियम। चाहे वो रेस्ट में हो तब भी नेट फोर्स उसके ऊपर ज़ीरो होती है, और अगर वो मोशन में हो तब भी नेट फोर्स उसके ऊपर क्या होती है? ज़ीरो होती है। यानी कि ये थोड़ा सा आप इसे लिंक कर सकते हो न्यूटन फर्स्ट लॉ से, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ इक्विलिब्रियम को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि वो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि भाई बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन अंटिल अ नो नेट फोर्स। सिमिलरली जब तक नेट फोर्स नहीं लगेगी बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम को भी सस्टेन रखेगी। तो हम कहेंगे कि नेट फोर्स लगने से पहले पहले तक बॉडी किस में होती है? इक्विलिब्रियम में, ठीक हो गया। अच्छा अब इसी को अगर हम ज़रा ओपन करें तो आपको पता है ये फोर्स है, और हमारे पास अगर हम इस बोर्ड की एग्जांपल लेते हैं तो इस बोर्ड के ऊपर तो मैं टू डायमेंशन फोर्सेस ड्रा कर सकता हूँ, जैसे कि ये मैं इधर ड्रा करने लगा हूँ ए, ये तो फर्ज़ करो यहाँ पर एक फोर्स है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा एफ ऑफ एक्स, एक होगा एफ ऑफ वाई, यूँ ही बनेगा। तो फिर इसके सेंस में हम इसे कैसे लिखेंगे? तो इसके सेंस में हम ऐसे लिखेंगे कि अगर हम फोर्स को इधर से कैलकुलेशन में हम इसकी वैल्यू को पुट करें, इस साइड पर कर लेते हैं,
अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करें तो हमें पता है कि f की जो वैल्यू है वो बराबर है f ऑफ x का स्क्वायर प्लस f ऑफ y का स्क्वायर। तो फोर्स की अगर मतलब जो आंसर है वो कैसा आना चाहिए, नल वेक्टर यानी कि ज़ीरो। तो जाहिर सी बात है ज़ीरो का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ज़ीरो इंटू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर और एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। तो दोनों तरफ आप स्केयरिंग कर दो तो ज़ीरो का स्क्वायर तो ज़ीरो आ जाएगा, इधर क्या बचेगा एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर और एफ ऑफ वाई का। तो अगर आप इसे फर्दर देखो मैथमेटिक्स लगाओ तो इसका आंसर ज़ीरो आना चाहिए। इसका मतलब है ये भी स्क्वायर फैक्टर है, ये भी स्क्वायर फैक्टर है। तो आप सिंपली ये कहना चाह रहे हो कि समीशन एफ ऑफ एक्स का आंसर भी ज़ीरो बने और समीशन एफ ऑफ वाई का आंसर भी ज़ीरो बने, तो हम कहेंगे कि इसका आंसर ज़ीरो बनता है। यानी कि अगर किसी पर नेट फोर्स ज़ीरो है तो इसका यह मतलब होगा कि उसके ऊपर लगने वाली एक्स डायरेक्शंस की सारी फोर्सेस भी ज़ीरो हैं और वाई डायरेक्शंस में लगने वाली सारी फोर्सेस भी ज़ीरो हैं। अच्छा, बुक ने इसको एक्सप्लेन किया कि बुक ने कहा कि समीशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, समीशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड अगर थ्री डायमेंशन सिस्टम है तो मैं लिखूंगा समीशन एफ ऑफ जेड आल्सो इज इक्वल टू ज़ीरो। और एक्स वाई और जेड जो है ये वैल्यूज़ हैं, एक्स इंडिकेट कर रहा है कि एक्स डायरेक्शन है यानी कि आई वाई जे जेड के। तो ओवरऑल बात ये बन रही है कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो उसके ऊपर ये उसके तीनों कंपोनेंट्स का आंसर भी क्या होगा, उन तीनों कंपोनेंट्स का सम भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, ये कंपोनेंट्स क्यों किए गए, देखो फोर्स जो है ना हमारे पास उसका तो हमें पता नहीं है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, 90 का एंगल है, 30 का है, मतलब वो जो इधर वेक्टर में है पता नहीं क्या एंगल है, यानी कि इधर जो एंगल होता है ये हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर मैं कहूँ कि मुझे सिंपल यानी कि सिचुएशन को थोड़ा सिंपल करना है, आसान करना है, तो मेरे पास एक टेक्निक है, मैं फोर्स के टुकड़े कर लूँगा। और वो टुकड़े मोस्टली हमारे पास तो दो ही हैं, समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई। तो इनको सॉल्व करना आसान है कि भाई एक्स की एक पॉजिटिव होगी तो दूसरी ऑब्वियसली नेगेटिव होगी। अब इसकी नेगेटिव इधर होगी, अब इधर का मुझे नहीं पता कौन सी डायरेक्शन है, लेकिन हॉरिजॉन्टल सॉरी रेक्टेंगुलर सिस्टम को कैलकुलेशन में लेना बड़ा आसान है। तो इसको बुक ने कहा कि जितनी भी आपके पास x डायरेक्शन की फोर्सेस है उनका सम जीरो हो जाए और y का भी जीरो हो जाए तो हम कहेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम में। तो इसको लिखता है कि व्हेन ऑल द x डायरेक्शन फोर्सेस टू द राइट साइड ऑफ ओरिजिन इज टेकन एज पॉजिटिव वाइल लेफ्ट आर नेगेटिव। इसका मतलब है कि जो भी फोर्सेस एक्स में ओरिजिन के इस तरफ जा रही हैं, तो दिस इज द लाइन और ये आपके पास है जी ओरिजिन। तो जो इस साइड की फोर्सेस होंगी सारी जो ओरिजिन से इस साइड पे हैं उनको हम लेंगे पॉजिटिव और जो इधर होंगी उनको लेंगे हम नेगेटिव। सिमिलरली सिमिलरली ऑल द फोर्सेस अबव द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव while downward are as negative। ठीक है, तो अगर हम vertical बनाएं तो vertical system यूँ बनेगा। तो जो origin है ये आपका origin है, इस origin से जितनी भी forces ऊपर की तरफ हैं वो positive consider की जाएंगी और जो नीचे हैं वो negative consider की जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन अब ये वाली तो हमारी हो गई calculation इधर, अब इसको मज़ीद आप एक्सटेंड करो। तो मैंने अभी बात की कि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो, यानी कि नेट फोर्स तो दोनों सिचुएशन में ज़ीरो हो सकती है, बॉडी रेस्ट में हो तब भी ज़ीरो हो सकती है और मोशन में हो तब भी ज़ीरो। तो यहीं से आपकी जो इक्विलिब्रियम है इसकी दो टाइप्स बनती हैं, एक टाइप का नाम है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, when body is at rest and no net force
acts on it, then body is said to be in static equilibrium. ठीक है. दूसरी होती है dynamic. ठीक है. तो ये स्टैटिक क्या है कि जब बॉडी रेस्ट पे हो और उसके ऊपर नो नेट फोर्स एक्ट करे, या रेस्ट में सिंपली हो तो उसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स एक्ट ना करे, तो वो स्टैटिक है. और स्टैटिक का वैसे भी मतलब होता है रेस्ट, डायनामिक का मतलब होता है मोशन. तो यानी कि ये आपकी वो इक्विलिब्रियम जो रेस्ट इक्विलिब्रियम है और दूसरी मोशन इक्विलिब्रियम. तो मोशन इक्विलिब्रियम क्या होती है, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद मूविंग विद कैसी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी, देन बॉडी सेट टू बी इन कौन सी इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ठीक है. अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं, तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी ना पैराट्रोपर की, यानी कि जिसे पैराशूट बोलते हैं, तो अगर पैराट्रोपर ऊपर से नीचे आता है तो आपको पता है कि ऊपर से नीचे आते हो आपको तो सर स्पीड बढ़ती है, लेकिन उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगती है हवा की रेजिस्टेंस से. तो जो नीचे आता है उसकी स्पीड बढ़ती, ऊपर आती है तो उसकी स्पीड रिएक्शन फोर्स की इसकी वजह से कम होती है. लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती हैं, तो पैराट्रोपर एक यूनिफॉर्म स्पीड जिसका नाम है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है और इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाते हैं. तो बॉडी कौन सी इक्विलिब्रियम में होती है, डायनामिक. तो इसका मतलब है मोशन इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन आ जाती है. ठीक है. अब ये कहानी अभी चल ही रही थी कि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो तो बॉडी का नाम क्या है, कि बॉडी किस में चली जाती है, इक्विलिब्रियम, यानी कि जनरल सी स्टेटमेंट. लेकिन यहाँ पर एक फड्डा पड़ा, वो फड्डा क्या है, वो हमने फड्डा देखना है जो हमारा नेक्स्ट इसका पोर्शन आता है इक्विलिब्रियम का. उस फड्डे को ज़रा देखते हैं. वो फड्डे की सिचुएशन ज़रा आपके सामने मैं इधर रखता हूँ और आप उसे देखें कि क्या ये फड्डा इसी जो भी हमने पढ़ा इससे सॉल्व आउट हो सकता है कि नहीं हो सकता. ठीक है. तो वो ये है कि ये आपके पास कोई भी एक डायग्राम ऐसे बनाइए बुक ने, और यहाँ पर लेट्स सपोज ये बोर्ड, ये इसका सेंटर है, कोई भी सेंट्रल पॉइंट है. इसके ऊपर ये एक फोर्स लग रही है ऐसे, और ये एक फोर्स लग रही है ऐसे. इसका नाम है जी F1 और इसका नाम है जी F2. आप देख रहे हो कि F1 इन मैग्नीट्यूड इक्वल है F2 के. ठीक है. वैसे भी मैंने मेंशन कर दिया, लेकिन देखने में आपको नज़र आ रहा है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. तो आप मुझे यही कहोगे कि सर समीशन F ऑफ X इज इक्वल टू जीरो, कि X डायरेक्शन की सारी फोर्सेज जीरो हैं तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है. लेकिन अगर इन फोर्सेस की लोकेशन थोड़ी सी चेंज की जाए, लोकेशन चेंज करने का मेरा मतलब है कि अगर फर्स्ट एग्जांपल कि मैं इस सिचुएशन को कुछ इधर इस तरह से ड्रा कर दूं आपके सामने कि हमारी ये फोर्स यूं कर दें और ये फोर्स यूं कर दें, बॉडी अब भी वही है, बॉडी स्टिल वही है हमारी. तो आप देखोगे इस सेंट्रल पॉइंट या डॉट के गिर्द ये बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, एक रोटेशन शुरू कर देगी. बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, रोटेशन. तो बॉडी तो चली गई मोशन में, लेकिन पहले इसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो थी, बाद में जब ये गई मोशन में तो वेलोसिटी चेंज हो गई. और अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो हमें तो कहना पड़ेगा कि भाई इसके ऊपर तो नेट फोर्स लगी, लेकिन देखने में तो नेट फोर्स ज़ीरो है, तो ये बॉडी कैसे चली गई है मोशन में. लेकिन जबकि हमारी कंडीशन तो पूरी हो रही है कि समीशन एफ ऑफ एक्स तो स्टिल इधर भी जीरो है और यहाँ पर भी अगर कैलकुलेशन की जाए तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और इक्वल वेक्टर के मुताबिक ये वाली फोर्स इधर भी बन सकती है और इधर भी बन सकती है, जो कि हमने वेक्टर्स में पढ़ा था. लेकिन स्टिल हमारी कंडीशन सस्टेन हो रही है, लेकिन बॉडी बात ही नहीं मान रही. तो फिर यहाँ पर हमने एक और कंडीशन बनाई जिसको कहते हैं हम सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. चूंकि बॉडी रोटेट कर रही है, तो आपने पढ़ा था कि जो रोटेशन वाला बंदा है वो रोटेशन वाले बंदे का नाम होता है टॉर्क. तो सेकंड कंडीशन में क्या है कि अगर हम कहें इफ
कौन सी चीज नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दी बॉडी इज जीरो, देन बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। भाई ये क्यों हमने किया है कि नेट टॉर्क, हमें एक तो पता है कि जब ये रोटेशन हो रही है तो किसी चीज़ में रोटेशन टर्निंग पैदा करना वो फोर्स का इफेक्ट है और उसका नाम क्या है, टॉर्क। तो ये तो है टॉर्क, ये तो पता लग गया कि इसमें है टॉर्क, लेकिन चूंकि ये मूवमेंट दे रही है और नेट टॉर्क नेट फोर्स जीरो आ रही है तो पहली कंडीशन पूरी होने के बावजूद ये घूम गई, तो इसलिए फिर हम वो बंदा लेके आएंगे जो घुमा रहा है इसे। तो उसके लिए हमने एक नई कंडीशन बना ली, वो कंडीशन का नाम क्या है कि अगर नेट टॉर्क उसके ऊपर हमारा जीरो हो जाए तो बॉडी हम कहते हैं इक्विलिब्रियम में। लेकिन इस कंडीशन का नाम क्या है, एक अलग से हमने एक नया रूल रख दिया, तो इस रूल का नाम रख दिया सेकंड। तो पहले का नाम था फोर्सेस वाला और दूसरे का नाम है टॉर्क वाला, तो इसलिए वो अलग कहानी है, ये अलग कहानी, इसलिए उसका नाम बुक ने रखा है फर्स्ट कंडीशन और इसका टॉर्क वाले का नाम रखा है सेकंड कंडीशन। तो अगर हमारे पास नेट टॉर्क जीरो हो जाए तो हम बॉडी को कहेंगे वो किसमें चली गई है, इक्विलिब्रियम में। और अगर इसे मैथमेटिकली आपने लिखना हो तो आप इसे लिखेंगे समीशन टॉ इज इक्वल टू जीरो। अब आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि ये भी वेक्टर है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर भी आएगा आपका वेक्टर ही। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा टॉर्क हमने पॉजिटिव कंसिडर करना है और कौन सा नेगेटिव। तो बुक ने कहा बाई कन्वेंशन, यानी कि जैसे हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं, बाई कन्वेंशन ऑल एंटी क्लॉकवाइज टॉक्स आर, जितने भी टॉक्स एंटी क्लॉकवाइज हैं आर पॉजिटिव, ठीक है। और क्लॉकवाइज टॉक्स आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक हो गया। तो क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव, ये है सेकंड कंडीशन। अब हमारी बॉडी को मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, एक सबमिशन फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो और सबमिशन टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। अब इधर मैं लिखता हूं पहली कंडीशन, तो पहली कंडीशन के मुताबिक जो इक्विलिब्रियम बनती है उधर से इक्विलिब्रियम का नाम मैं रखूंगा फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका एक नया नाम भी हम रख सकते हैं, वो नया नाम क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, वो वाली इक्विलिब्रियम जो फोर्सेस वाली है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, तो अगर नेट फोर्स जीरो हो तो इज जीरो, देन बॉडी इज सेट टू बी इन। अब चूंकि हमारे पास फोर्सेस हैं और फोर्स हमेशा एक स्ट्रेट लाइन यानी कि ट्रांसलेशनल एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, देन बॉडी सेट टू बी इन, इधर हम लिखेंगे कौन सी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास दोनों किस्म की आ सकती हैं, एक जिसका नाम होगा स्टैटिक और दूसरी का नाम होगा डायनेमिक। दोनों कंडीशन स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टैटिक दोनों में सेम ही है, डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और उसके लिए हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो ये होंगी कि सबमिशन एफ इज इक्वल टू जीरो, सबमिशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड सबमिशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक होगा। ये होगी फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन जिसका नाम होगा, उसका नाम है जी सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम,
ठीक है, इसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स। ठीक है, इसके ऊपर हम इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, व्हेन नो नेट टॉर्क एक्स ऑन अ बॉडी देन बॉडी इज सेट टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ठीक है, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो जाएगी। अब इसके लिए भी हमारे पास दोनों ही होंगे, एक स्टैटिक, स्टैटिक दोनों में नियर अबाउट सेम ही, और डायनामिक, इसकी डायनामिक का नाम क्या होगा, डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इसके लिए कंडीशन क्या आ जाएगी, सबमिशन टॉ इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसमें ना एक सिर्फ चीज़ है, वो बुक ने स्टेटमेंट लिखी है, वो मैं आपको लिख के फिर समझाता हूँ कि वो सेकंड कंडीशन को ही लेकर उन्होंने स्टेटमेंट लिखी है, उसी स्टेटमेंट को मैं इधर इस डायग्राम की जगह लिख देता हूँ इधर, कि बॉडी ने कहा कि ये जो डायनेमिक है ना, इसको मैं इधर ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायनेमिक है, डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर एंड हो जाएगा टॉपिक। ये है कि व्हेन, इसकी प्रॉपर जो बनेगी, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और व्हेन देयर इज नो देयर इज नो वैल्यू या नो नेट वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इन द बॉडी देन बॉडी इज सेड टू बी इन डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया, अब इसकी स्टेटमेंट को मैं इधर आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, किसने कहा कि भाई उसके ऊपर ये वाली चीज़ें ज़ीरो हो जाए। तो ये पता क्या कहना चाह रहा है, अगर आप टॉर्क को हम आगे पढ़ेंगे भी, तो टॉर्क का जो वैसे फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है वो तो वो है आर क्रॉस एफ, टॉर्क का एक फार्मूला और है वो है आई अल्फा, और जो अल्फा होता है इसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, और अल्फा बराबर होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और जब किसी चीज़ की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, तो जाहिर सी बात अभी मैंने बताया कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तो उसका जो चेंज होता है वो ज़ीरो के बराबर आ जाता है। तो अगर आप इसे पुट करोगे तो अल्फा की ऑटोमेटिकली वैल्यू ज़ीरो ओवर समथिंग इज इक्वल टू ज़ीरो आएगी, और टॉर्क की वैल्यू आई इंटू ज़ीरो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो उस वक्त वो बॉडी किस में चली जाती है, डायनामिक या रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम या डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इसके अंदर चली जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक बॉडी को मुकम्मल तौर पे इक्विलिब्रियम में होने के लिए एक तो फर्स्ट कंडीशन को भी ओबे करना पड़ेगा और सेकंड को भी, और जिसके लिए फर्स्ट के लिए सबमिशन एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ एक्स ज़ीरो, एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो एंड सबमिशन टॉ इज इक्वल टू ज़ीरो, देन बॉडी इज सेट टू बी इन कम्प्लीट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा अब अगर हम फोर्सेस की बात करें ना, तो फोर्सेस के अंदर तो कोई खास मसला नहीं है, लेकिन जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो रोटेशन, और रोटेशन हमेशा एक इनके एक सेंट्रल पॉइंट के गिर्द होती है, या एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिविट पॉइंट के गिर्द, तो वो जो उसकी सिलेक्शन है वो आप पर डिपेंड करती है कि आपने उसको किस तरह सेलेक्ट करना है। तो हम जब आगे एग्जाम्पल्स या न्यूमेरिकल करेंगे तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि जो उसकी सिलेक्शन है, जो बॉडी की मूवमेंट की सिलेक्शन है कि हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन को किसको सिलेक्ट करना है, वो हम पे डिपेंड करते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये आप पॉइंटर देख रहे हो, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन
जहाँ पर ये बैलेंस होता है वो सेंटर में नहीं होगा, वो कहीं और जगह पे लाई कर सकता है। तो इसकी चॉइस या अगर नहीं भी है तो इसकी चॉइस हम पर है, हम जैसे मर्जी उसको सिलेक्ट करें और इसके ऊपर ये कंडीशन लगाकर हम अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। अगर इस टॉपिक के अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है इसको लाइक भी करना होता है और शेयर भी करना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।